गाजीपुर के गहमर थाना इलाके के गहमर गांव के पिछले दिनों हुई मारपीट में घायल रामा शंकर यादव की वाराणसी में इलाज के दौरान मौत होने के बाद परिजनों के साथ सपा कार्यकर्ताओं द्वारा शव के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन पीड़ित परिजनों और गहमर गांव के ग्रामीणों के साथ सपा जिला अध्यक्ष रामधारी यादव के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी भी की गई और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी किया गया। मृतक के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई। जिला अध्यक्ष रामधारी यादव ने कहा कि भाजपा राज में गुंडागर्दी चरम पर है। आपको बता दें कि गहमर गांव के चुनगी दीवान मोहल्ले में रविवार को लड़कों के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडा और ईंट पत्थर चला। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण किया था। रामशंकर यादव की मृत्यु हुई है, ये मारपीट में इनकी जान चली गई है। गाजीपुर में एडमिट हुए थे, फिर रेफर हुआ बनारस गए, बनारस जाने के बाद इनकी मृत्यु हो गई है। और इस यह परिवार के साथ पहले से जो वहाँ के गोलबंद लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, इन लोगों ने पहले से इस परिवार के साथ हमेशा मारपीट किया है। इसके पहले भी एक साल पहले भी 307 का मामला इनके विपक्षी जो मारपीट में शामिल है इन पर दर्ज हुआ है। मारपीट कर दिए थे, उसको दबा रहे थे कि इसको ख़त्म करो। वह गरीब आदमी था, कहा कि ठीक है ख़त्म कर लूँगा, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए और भय पैदा करने के लिए अपने दरवाजे पर बुलाकर इसको पीटना शुरू किए कि इसको मारा पीटा जाएगा तो डर कर हमारी मामला को ख़त्म करेगा। जब मारा पीटा तो घर के लोग भी दौड़े दौड़े गए, चल मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर रहा होगा घर, आप पड़ोसों के लोग हैं तो वहाँ जाने के बाद इनके घरों की जो महिलाएं थी, बाबू साहब घर की महिलाएं थी जो उनके दरवाजे पर लगे थे, उनके घर की महिलाएं तो ईंटा पत्थर चलाने लगा, उस छत के ऊपर से ईंटा पत्थर चला, ये सब घायल हो गए। घायल हो गए तो फिर अपना जो PAC है उसमें जाकर इनका मुआवजा हुआ। वो रात ही घटना है और रात ही घटना के बाद ये सब बेचारे एम्बुलेंस को बुलाए, 112 को बुलाए, अपना किसी तरह से आप इलाज कराए, लेकिन इलाज कराने के बाद फिर सुबह होते होते ही पूरा का पूरा गोल बंद होकर के इसके घरों पर धावा बोल दिया गया। और उस दौरान इतना मारपीट हुई है, इतना इनको मारा गया कि बहुत बुरी तरह से लोग घायल हो गए, 6 लोग घायल हो गए जिसमें एक मर गया, 2 अभी रेफर होकर के वाराणसी गए हैं और शेष लोग गाजीपुर में इलाज चल रहा है। ऐसे में इस पूरी घटनाक्रम में आप किसकी लापरवाही मान रहे हैं? मैं इसमें पूरी की पूरी लापरवाही, जब हम पुलिस प्रशासन को इतना देते हैं, टेलीफोन करते हैं, 112 को टेलीफोन करते हैं और समय से नहीं पहुंचते हैं, तो यह इसमें पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। यह सच भी है कि अगर यह 100 गहमर अगर मौके से पहुंच गया होता और रात की झगड़ा को श्रृंगार में ठीक से लिया होता और पुलिस तैनात कर दिया गया होता तो सुबह जो गोलबंद होकर के मारपीट हुई है, बलवा हुआ है, यह घटना नहीं घटती। पूरा का पूरा जिम्मेदारी और लापरवाही यह पुलिस प्रशासन की है। जो ये घटना हुई है, इस घटने में सबसे जल्द कमी प्रशासन की रही है। SP ऑफिस को क्या बोलते हैं इन्फॉर्म करते हुए, 112 को इन्फॉर्म करते हुए, गहमर SHO को इन्फॉर्म करते हुए भी कोई वो नहीं हुई। विपरीत पार्टी आ करके हमारे घर की मतलब कंडीशन को ख़राब करके निकल जाने के बाद आई और हमारे यहाँ हमारे दरवाजे पर जहाँ घटना हुई थी वहाँ पर खड़ा न हो करके हमारे विपरीत पार्टी के घर जा करके गाड़ियाँ उनकी खड़ी हो रही हैं। ऐसे में क्या माना जाए, जो घटना हुई है व्यक्ति का उसका परिवार की मौत भी हो गई है, तो इसमें किसकी लापरवाही आप मान रहे हैं? प्रशासन की कमी है। ऐसे में अजी आप लोग SP साहब से भी मिले हैं, उनके तरफ से जो आश्वासन मिला है क्या उससे संतुष्ट हैं? राजनेताओं के दबाव के वजह से प्रशासन की ये कमी है। SP साहब से आप लोगों ने मिला है जो उन्होंने आश्वासन दिया है, क्या उससे आप लोग संतुष्ट हैं? अभी तो आश्वासन उन्होंने दिया है, अभी ग्राउंड में करके क्या बोलते हैं वो करे तो SP साहब की बात को मानेंगे। गहमर में 15 तारीख को दो पक्षों में इस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था जिसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हुए थे, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और इस संदर्भ में दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग पंजीकृत किया गया है, इनकी तरफ से तहरीर दी गई है तो धारा 302 में उसको तरमीम करके और उसमें भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, शेष जो लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।